मीन्स कोई पॉइंट ए से डिस्टेंस फाइव सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर मीन्स सेंटर से इस पॉइंट ए की डिस्टेंस कितनी है फाइव सेंटीमीटर इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे सेंटर ओ है ठीक है यहाँ पे कोई पॉइंट ए है जो कि क्वेश्चन में बोला गया है अब यहाँ पे एक टेंजेंट है इस तरीके से ये टेंजेंट बना लें ओके इसको बी नाम दे देंगे अब यहाँ पे क्या बोला है टेंजेंट की लेंथ है फोर सेंटीमीटर ओके एंड डिस्टेंस है फाइव सेंटीमीटर कहाँ से सेंटर से तो ये हो जाएगा फाइव सेंटीमीटर और इसको इस तरीके से जॉइन कर देंगे ओके यू नो वाई थ्योरम टेन पॉइंट वन से टेंजेंट और रेडियस नाइन्टी डिग्री का एंगल बनाते हैं ओके okay, तो एंगल बी कितना होगा 90 डिग्री ओके तो ओ बी परपेंडिकुलर है किस पर ए बी पर ये एक राइट ट्राइंगल बन रहा है तो इसमें ले लेंगे पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेंडिस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अब इस पे ध्यान से देखिएगा अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने का एंगल ऑलवेज हाइपोटेनियस होता है ओके बाकी जो दो बस्ते हैं वो एक होता है क्या परपेंडिकुलर और एक होता है बेस ओके अब इसमें बोला गया है कि हाइपोटेनिस तो हाइपोटेनिस अपना ये है मीन्स ओ है ओ एक स्क्वायर इस इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स ओ बी स्क्वायर प्लस बेस मीन्स ए बी स्क्वायर ओके ओ ए e की वैल्यू है फाइव स्क्वायर इज इक्वल टू ओ वी ओ फाइन करना है तो उसको एज इट इज राइट कर देंगे प्लस ए की वैल्यू है फोर सेंटीमीटर मीन्स फोर स्क्वायर अब यहाँ पे फाइव फाइव ज हो जाएगा ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू ओ स्क्वायर प्लस फोर फोर जा ट्वेंटी फाइव माइनस में सिक्सटीन हो जाएंगे इज इक्वल टू ओ स्क्वायर ट्वेंटी फाइव में सिक्सटीन माइनस करेंगे तो आएगा यहाँ पे नाइन इस इक्वल टू ओ वी स्क्वायर अब यहाँ पे जो स्क्वायर है वो है यहाँ पे आ जाएगा रूट इस इक्वल टू ओ वी तो ओ वी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे थ्री सेंटीमीटर ओके तो ये अपनी रेडियस आ गई ओके यहाँ पे रेडियस ही फाइंड करना थी तो यहाँ पे ओ वी की वैल्यू कितनी आ गई थ्री सेंटीमीटर ओके जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हो थैंक यू